हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया से एक शरबत की रेसिपी लाई हूँ। अगर आप इसे पिएंगे तो कितनी भी पुरानी कब्ज की समस्या है, पेट की सारी समस्याओं को दूर करेगा, साथ साथ जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनके लिए दवा की तरह काम करता है। तो पेट में किसी भी तरह के घाव हैं, छाले हैं, अल्सर है, आप इसको यूज़ करेंगे, आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बहुत इफ़ेक्टिव सी ड्रिंक है। इसको पीने से पेट के जो घाव होते हैं, छाले होते हैं, वो हील होने का वो काम करता है, यानी घावों को ये ठीक करने का काम करता है। साथ साथ अगर पुरानी से पुरानी कब्ज है, पेट साफ़ नहीं होता, तो आप इस तरह से इस जूस को बना के लेंगे तो आप देखेंगे आपकी कब्ज की समस्या भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ साथ गैस, एसिडिटी, जो खट्टी रक्त विकारें आती हैं, अपच की समस्या होती है, आप इन गर्मियों में इस जूस का सेवन करें, आप देखेंगे शरबत को पीते ही आपकी बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने लगेंगी और पेट को ये बिल्कुल बूस्ट कर देगा, जिससे पेट से संबंधित बीमारियां आपको जल्दी नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, नए हैं पहले चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो देखिए, इस जूस को बनाने के लिए हमें बेल की ज़रूरत थी। बेल, जिसे हम वुड एप्पल के नाम से जानते हैं, ये बेल हमारे पेट की तमाम बीमारियों को दूर करता है। गैस है, एसिडिटी है, कब्ज रहती है, या पेट में आपको जलन होता है, कुछ भी खाते हैं पेट फूलता है, पेट में आपके जो खाना है आसानी से पचता नहीं है, आप इस जूस का सेवन करके देखें। बेल को किसी भी फॉर्म में अगर आप खाते पीते हैं, इसका पाउडर आता है, बेल गिरी आती है, अगर आप उसको भी लेते हैं, जब बेल का मौसम हो तो आप पूरे टाइम, हर पूरे सीजन में आप एक बार बेल का जूस डेली पिया करिए, आप देखेंगे पेट की कितनी सारी समस्याओं को दूर करता है। ये जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, जिनके पेट में छाले हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हैं, उन्हें इस बेल के जूस का ज़रूर सेवन करना चाहिए। बेल का शरबत पेट के लिए अमृत के समान होता है, ये पेट की तमाम बीमारियों को दूर करता है। तो देखिए, बेल दो कई तरह के आते हैं। बेल एक होता है जिसका गूदा ही बिल्कुल पीले कलर का होता है, कुछ हल्का पीला होता है, कुछ इस तरह से लाल कलर में आता है। तो बेल आपको किसी भी वैरायटी का बेल मिले, पके हुए बेल आप गर्मियों में ज़रूर खाइए। और इसकी बेलगिरी बनाने का तरीका है, जो कच्चे बेल आते हैं उनको आप काट के इसके छोटे छोटे पीसेज में धूप में सुखा लीजिए अच्छे से, उसको पीस के उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। जब बेल मिले तो आप बेल का शरबत खाइए, बेल का मुरब्बा बना के खाइए, और जब बेल ना मिले तो आप बेलगिरी के पाउडर को सुबह शाम एक एक चम्मच गुनगुने पानी से अगर आप खाते हैं तो आपके पेट की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, ये अल्सर के लिए तो अमृत की तरह काम करता है। अल्सर के पेशेंटों को जो तकलीफ होती है, घाव हो जाने की वजह से गैस, एसिडिटी बनती है, ये घावों को हील करने का काम करता है। तो देखिए, इनके गूदा जो होता है ना, बेल का पूरा हम इस तरह से निकाल लेंगे, और ये जो इसका स्कल है, देखिए इसके अंदर भी गूदे होते हैं, तो इसे भी स्क्रैच करके स्पून से निकाल लीजिए। ये आप देखिए सारी चीज़ों को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसका जूस बनाना बहुत आसान है। आप इसे मिक्सी के जार में बिल्कुल ना बनाएं, मिक्सी के जार में जो इसके बीज होते हैं ना, ये पिस जाते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब आता है। तो आप इसे हाथों से ही बनाइए, हाथ से बनाने में ये बहुत बढ़िया बनता है और स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह से पूरा जो इसका गूदा है, जो पल्प है, इसको अच्छे से स्क्रैच करके आप इनमें से पूरा निकाल लीजिए। और ये देखिए, हम आपको बताएंगे बहुत आसान सा तरीका जिसे आप बना सकते हैं और फटाफट बना के आप इसे, इसमें विंटर का सीज़न नहीं है, गर्मी आ रही है, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लिया करिए, और जब पीना हो तो थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप पीजिए। और ठंडा ठंडा पीना चाहते हैं तो आप ठंडा भी इसे पीजिए। तो ये देखिए, सारा गुदम निकाल दिया है। अब आपको क्या करना, इसे पानी के साथ बनाइए। जो अल्सर के पेशेंट होते हैं ना, उन्हें पानी के साथ ही पीना चाहिए। कब्ज के जो पेशेंट होते हैं, उन्हें भी पानी के साथ ही पीना चाहिए। अगर आप इसे स्वाद चाहते हैं तो आप इसको बाद में थोड़ा सा इसमें कुछ स्वाद के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में मेडिकेटेड जूस बता रही हूँ कि जिसको आपको पीने से आपकी बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएँ। तो ये देखिए, गूदा जो हमने पल्प है पूरा अच्छे से निकाल लिया है। अब इसको हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे आप 2 ग्लास के करीब डाल दीजिए, क्योंकि आप इसे गाढ़ा बना के स्टोर करके रख सकते हैं। जब पीना हो तो आप इस तरह गाढ़ा पीना चाहें तो गाढ़ा ही पीजिए, नहीं तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे डाइल्यूट करके पीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम पानी डाल दे रहे हैं 2 ग्लास के करीब। तो इस तरह से डाल देंगे। अब आप क्या करिए, घर में बना रहे हैं हाथों से, आप इसे हाथों से मैश कर सकते हैं, या फिर ये जो मथनी आती है जिससे हम मस्का वगैरह निकालते हैं, यानी मलाई निकालते हैं, मलाई को हम जब जमाते हैं बटर बनाने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊड वाला है ये, आसानी से घर में सबके अवेलेबल होता है। नहीं है तो हम आपको उसका भी तरीका बताएंगे कि आप किस तरह से बना सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से दबा देंगे, दबाते दबाते करेंगे तो इसके जो बीज होते हैं ना वो टूटते नहीं हैं, नहीं तो अगर आप मिक्सी में पीस देंगे तो बीज भी जो होते हैं उसके पिस जाते हैं, तो बीज जब पिस जाता है तो उसका स्वाद थोड़ा सा गड़बड़ाता है। तो हम इसी तरह से बनाते हैं सिंपल वे में, तो आप इस तरह चाहिए तो बनाइए। इसमें देखिए इसको इस तरह से मैश कर दे रहे हैं, और सबसे आसान तरीका है आप इसको भी ना यूज़ करिए, हाथों से बनाइए, हाथों को अच्छे से क्लीन करिए, आप इसे अच्छे से मैश करते हुए जो इसके रेशे हैं इसके बीज हैं आप इस तरह से हाथों से इसे दबा दबा के आप इसे निकालेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है और झटपट भी हो जाता है, और इस तरह का जो जूस बना के तैयार करते हैं ये बढ़िया टेस्टी भी लगता है। तो आप इस तरह से देखिए इसे मैश करके इसके जो जो रेशे निकाल रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, आप इसे निकाल लीजिए। और जब आप पाउडर बनाते हैं बेलगिरी का तो आप उसमें इसको पीस सकते हैं, जब कच्चे वाला जब बेल लेंगे तो उसको उसे पतले पतले स्लाइसेस में काट लीजिए, उसे धूप में सुखा लीजिए, और जब सूख जाए तो आप उसका पाउडर बना के रख लीजिए। वो बेलगिरी जो घर का बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके पेट की तमाम समस्याओं को दूर करता है। अल्सर के पेशेंटों के लिए हमने बताया भी है बेलगिरी का पाउडर कैसे यूज़ करें कि जो अल्सर की बीमारी है पूरी तरह से ठीक हो जाए। ये देखिए इसी तरह से बस मैश करते रहेंगे, ये देखिए 5 मिनट भी लगता है, इसे ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ये देखिए कैसे रेशे होते हैं, बिल्कुल वुडन रेशे होते हैं, तो इनको इसी तरह से हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप एक स्ट्रेनर ले लीजिए, उसको छान लीजिए, छानेंगे तो ये जो पूरे रेशे हैं बीज हैं ये पूरे सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो आपका जूस बन के तैयार हुआ है ये आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए पूरी तरह से जूस को हमने तैयार कर लिया, आपने देखा कि किस तरह से कितनी आसानी से बन गया। अब एक छन्नी लीजिए, आप इसमें छान लीजिए, या फिर आप इसे कोई भी साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं उससे भी आप इसे छान सकते हैं। तो ये देखिए इसको छान ले रहे, स्पून से दबाते हुए इसके पल्प को जो भी इसके अंदर है ये इसका जो जूस बन के तैयार हुआ ये पूरी तरह से निकल जाए। अब ये देखिए छन के तैयार हो गया है, ये हमारा जूस बढ़िया से बन के तैयार हो गया। इसे पीने का हम आपको तरीका बता रहे हैं कि किस बीमारी में कैसे आप पी सकते हैं। ये देखिए जूस का कलर कितना बढ़िया आया है, इस जो इसका जो पल्प था इसका कलर आपने देखा कि थोड़ा रेडिश करके इसका कलर था। तो अलग अलग वैरायटी का बेल मार्केट में मिलता है, आपको जो भी मिले हर तरह का बेल बहुत इफेक्टिव है। ये देखिए जूस बन गया है। अब जो अल्सर के पेशेंट हैं उसमें मीठा बिल्कुल कुछ भी ना डालें, आप चाहें तो सिर्फ शहद ऐड करेंगे। अगर ये बेल मीठा नहीं है तो जो और पेशेंट हैं कब्ज के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो इसमें शुगर पाउडर डाल सकते हैं, चीनी डाल के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, थोड़ा काला नमक डाल दीजिए। और जो अल्सर के पेशेंट हैं वो बिल्कुल सिंपली इसी तरह से बेल का जूस बनाएंगे, तैयार करेंगे, और इसमें अगर मीठा आप चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद डाल के आप इस बेल के जूस को पिए। आप इसको करेंगे दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस तरह छोटे गिलास से। अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। पेट ज़्यादा देर खाली रखने से एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। तो आप इस तरह का जो जूस होता है आप इसे लीजिए, छाछ को बना के अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें 2 से 3 घंटे पर यानी हर 2 से 3 घंटे पर कुछ ना कुछ लिक्विड डाइट जरूर लेना चाहिए। और जो कब्ज के पेशेंट होते हैं उन्हें भी लिक्विड डाइट लेना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरह से बेल का जूस आप बना के बॉटल में रख लीजिए और 2 से 3 घंटे बाद छोटे छोटे गिलास से आप एक एक गिलास से पीजिए। ये नहीं कि बड़ा गिलास लेके आप बहुत ज़्यादा जूस को भी नहीं पीना चाहिए, नहीं लूज मोशन होने लगेगा, दस्त की शिकायत हो जाएगी। तो आप इसे एक उचित मात्रा में ही लीजिए, इस तरह से आप एक छोटा गिलास दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बन के तैयार हो गया। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अगर पसंद आई है तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।